हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेरी जी केमिस्ट्री चैनल पे। सो चलिए गाइस लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 तक हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स बहुत सारी खत्म कर चुके थे। कुछ एक टर्म बाकी हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। कौन कौन सी हैं? एक फॉर्मेलिटी, दूसरा पीपीएम। दोनों ही ऐसी टर्म्स हैं जो कि बिल्कुल नई है, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी है, जिसको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले खुशखबरी देता हूँ आप लोगों को। अभी फाइनली मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, विच इज एंटायरली डिफरेंट एज कंपेयर टू यूट्यूब। वहां पर यू नो नोट्स ओरिएंटेड वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। यू नो कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कितने वीडियोस अपलोड होंगे दिन में। तो देखिए, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में वीडियो अपलोड होगा, हाफ एन आवर का होगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास पूरे दिन में टाइम बचा है तो आप अनअकैडमी के बहुत सारे मेरे लेक्चर्स हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 11th के भी और 12th के भी, जिनके वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जिसको क्लिक करके आप पूरे दिन में अपने और चैप्टर्स भी शुरू कर सकते हैं। सो दोनों प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए, आपका कोर्स भी जल्दी होगा और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। जैसे कि वहां पर केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है, स्टेट्स ऑफ मैटर हो चुका है, यू नो यहां फिजिकल क्लासेस लो, वहां पर भी चैप्टर को खत्म कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाकर क्लिक करिए और अनअकैडमी ऐप पर वो वीडियोस आप जरूर देखिए, आपको फायदा ही होगा। सो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। सो आज हमारा जो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है फॉर्मेलिटी। तो सब लोग लिखना शुरू कर दीजिए फॉर्मेलिटी। देखिए फॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एफ से लिखा करते हैं। अब जरा ध्यान से इसको देखिएगा, फॉर्मेलिटी को लिखते कैसे हैं। फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ है, दिस इज नंबर ऑफ फोर मोल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, नंबर ऑफ फोर मोल्स। देखिए मोलैरिटी में क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर क्या लिखते हैं फोर मोल्स। उसको एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है, जरा ध्यान से उसको देखिए और उसको कंपैरिजन में मोलैरिटी से करके भी दिखाऊंगा। देखिए नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है मोलैरिटी के, ऐसी डेफिनेशन आपने नॉर्मैलिटी में भी पढ़ी थी। मैं आपको देखो यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये फोर मोल्स लिखा है वो किसके लिए, फॉर्मेलिटी के लिए। अगर आप यहां पर फोर मोल्स की जगह क्या लिख दो, मोल्स लिख दो, तो ये डेफिनेशन किसका बन जाएगा, मोलैरिटी का। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, मैं ऊपर लिख भी रहा हूं। अगर आपने फोर मोल्स की जगह सिर्फ मोल्स लिख दिया तो मोलैरिटी का डेफिनेशन बन जाएगा। सो अगर आपने यहां पर मोल की जगह इक्विवेलेंट लिख दिया तो यहां पर ये किसका डेफिनेशन बन जाएगा, नॉर्मैलिटी का। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, तीनों टर्म्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, सिर्फ एक ही जगह पे चेंज आ रहा है, मोल्स इक्विवेलेंट इन फोर मोल्स। क्लियर है सब लोगों को, चलो कंपैरिजन करते हैं। मैं यहां पर उनके फॉर्मूले लिखता हूं। देखिए मोलैरिटी को कैसे लिखते थे, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन बाई वी एल लिखते थे। मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के, ठीक है, न्यूमिनेटर में तो सॉल्यूट ही होता है। नॉर्मैलिटी में क्या लिखते थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है। तो चलो फॉर्मेलिटी को हम लोग क्या करते हैं, फाइनली यहां पर डिफाइन कर देते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। देखिए एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोर मोल्स, बड़े ध्यान से लिखते रहिएगा, नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के फोर मोल्स देखते हैं, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, isn't it? ऐसे ही तो लिखेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अच्छा फोर मोल्स को, जैसे कि वहां पर n सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था मोल्स का, फोर मोल्स का होगा एफ एन। आप सिंबल कुछ भी लगाइए क्या फर्क पड़ता है, बट फोर मोल्स है तो f लगा दिया, n सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है मोल्स का, तो एफ एन डिवाइडेड बाई क्या करेंगे यहां पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वी एल लिखना है। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। चलिए अब वहां पर देखिए, वहां पर आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, आप याद कीजिए, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे गिवन मास बाय मोलर मास, आप सब लोगों को पता होगा, सही है, गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, इक्विवेलेंट निकालते थे गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या लिखते थे नीचे, याद करो यहां पर नीचे लिखा जाता था इक्विवेलेंट मास, याद है सब लोगों को। तो देखिए मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में फर्क क्या होता था, मोल्स यहां पर इक्विवेलेंट, वहां पर देखिए मोलर मास लेते थे, यहां पर इक्विवेलेंट मास लेते थे। तो चलो अगर आप मोल्स को इस तरह से डिफाइन कर रहे हो और इक्विवेलेंट को इस तरह से डिफाइन कर रहे हो तो यहां पर फोर मोल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखिए फोर मोल्स एफ एन, जरा ध्यान से इसको देखिए, फोर मोल्स मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूं। सो अगर आप चाहे तो इसको कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं ताकि आपको क्या हो कंफ्यूजन ना हो, तो कैपिटल एफ लिख लीजिए, ये लीजिए
ठीक है, तो ये स्मॉल एफ इंटू एन हो गया। सो फोर मोल्स इज इक्वल टू, देखिए दैट इज वेट ऑफ या फिर मास ऑफ सोल्यूट एज इट इज, मास ऑफ सोल्यूट, जरा ध्यान से इसको देखिए, जिसको हम किससे लिखते हैं डब्ल्यू से, वो देखिए एज इट इज है, जैसे कि मोलैरिटी में लिखा है, ठीक है, मोल्स के लिए मोल के रिस्पेक्ट में लिखा है, जैसे इक्विवेलेंट के लिए रिस्पेक्ट में लिखा है, हमने अभी भी वही किया, न्यूमिनेटर में वही है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, अब सिर्फ फर्क यहां आ जाएगा, यहां पर लिखा हमने मोलर मास, यहां पर लिखा इक्विवेलेंट मास, यहां पर होता है फॉर्मूला मास, क्या होता है फॉर्मूला मास, उसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। सो फॉर्मूला मास यहां पर लिखा जाता है। अच्छा, उसको हम लोग अगर शॉर्ट में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो क्या लिखेंगे, दैट इज डब्ल्यू बाई एफ एम, फॉर्मूला मास मतलब एफ एम। तो देखिए फर्क देखिए, बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी ये है फॉर्मैलिटी, ठीक है। सो फाइनली अगर मैं ये चीज एफ एन की वैल्यू उठा के वहां पे रख दूं तो क्या बनेगा, जरा चेक करो, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये हमारे लिए क्या हो गया फॉर्मैलिटी, इजंट इट। और इसी तरह से नीचे अगर मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो, मोलैरिटी क्या होता है, दी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। नॉर्मैलिटी क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई फॉर, यहां पर होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इंटू क्या लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए फर्क कहां है, यहां पर मोलिकुलर मास, यहां पर क्या है, ये दिस इज इक्विवेलेंट मास, और ये क्या है फॉर्मूला मास। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास आप लोग सब लोगों को कैलकुलेट करना आता है, सॉल्यूट दिया हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं उसको भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैंने आपको समझाई थी, क्लियर है आप लोगों को। सो फाइनली इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। नाउ व्हाट अबाउट फॉर्मूला मास, इसके लिए क्या करेंगे जरा उसको देखिए। So, यहां पर फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा ध्यान से उसको देखिए, फॉर्मूला मास का मतलब क्या होता है। सो यहां पर सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूं, फॉर्मूला मास का मतलब होता है मोलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड, मैं लिख रहा हूं मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। सो यहां पर जितना मोलिक्यूलर मास ऑब्जर्व किया आपने, एक्चुअल में उसी को हम लोग क्या कहते हैं फॉर्मूला मास, और ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो कि आप देखते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड जो कि एक्सपेरिमेंट से आपने ऑब्जर्व किया उसी को हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं। स्पेशली फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए लगाया गया था, आयनिक कंपाउंड्स के लिए लगाया जाता है बेसिकली, लेकिन इसका रिलेशन बाकी कंपाउंड से भी है, आगे हम लोग एक वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे उससे रिलेशन है, लेकिन उसकी छोटी सी झलक दे देता हूं आप लोगों को। अब ये समझ में कैसे आएगा कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है, सो उसको हम लोग सीखने वाले हैं, यहां पर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास को देखने वाले हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर फॉर्मूला मास जो कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, तो यहां पर ये टर्म्स बन गए हमारे लिए क्या फॉर्मैलिटी, क्लियर हो गया सब लोगों को। सो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन सीखते हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ऑब्जर्व्ड। अब यहां पर मेंशन है कि मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब ये होगा कि एक्सपेरिमेंटल थिंग है, क्लियर है आप सब लोगों को, लेकिन आइडिया कैसे लगाओगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। सो आप टॉपिक क्या लगाओगे, अब आप टॉपिक लगाओगे रिलेशन बिटवीन फॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। यहां पर फॉर्मैलिटी का हमने फॉर्मूला लिख लिया, मोलैरिटी का ये लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, वहां से आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। सो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है फॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी में, उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा कि फॉर्मैलिटी की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो फॉर्मैलिटी को लिखते हैं कैपिटल एफ से, और उसका फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था, क्या लिखते हैं, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, और फॉर्मूला मास हमारे लिए क्या होता है ऑब्जर्व्ड मास, ठीक है, इनटू क्या लिखते हो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, ऑब्जर्व्ड मास ऑफ सोल्यूट को हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मास को लिख देते हैं MOB, ऑब्जर्व्ड मास मॉलिक्यूलर, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मतलब फॉर्मूला मास एक ऐसी चीज है जो कि एक्सपेरिमेंटल है, कि आपने ऑब्जर्व कितना किया, क्लियर है आप लोगों को। सो फाइनली उसको हम लोग फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मेलिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, व्हाट अबाउट मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब आप देखिए, मैं आपसे कहूं कि बताइए कि यहां पर NaCl का मोलिकुलर मास होता क्या है, तो आप
तुरंत कहोगे कि Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, तो टोटल निकाला आपने 58.5, ये आपने निकाल दिया ग्राम पर मोल में निकाल दिया। पर एक्चुअल में ये आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नहीं है हमारी, ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, तो ये थ्योरेटिकल मास है। तो यहां पर जो भी आप मोलरिटी में मोलर मास लिखते हैं वो एक थ्योरेटिकल मोलर मास होता है, क्लियर हो गया आप लोगों को। सो यहां पर थ्योरेटिकल मोलर मास इंटू क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फॉर्मेलिटी में तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आता है जो कि एक्सपेरिमेंटल है, मोलैरिटी के अंदर थ्योरेटिकल मोलर मास आता है जो कि आप यहां क्या करते हो, सेल्फ ही कैलकुलेट कर लेते हो। सो चलो अगर मैं इन दोनों का रेशो लूं तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से इसको चेक करो। अगर मैं यहां पर रेशो लूं फॉर्मेलिटी टू मोलैरिटी तो क्या बनेगा, जरा चेक करो। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रखो, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑब्जर्व्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है। नीचे क्या लिखूंगा, मोलैरिटी केस में द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास थियोरिटिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहां से क्या कट रहा है, जरा चेक करो, वेट से वेट कैंसिल हो गया, वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कैंसिल हो गया, सही है। तो ये जो आपके पास थियोरिटिकल मास है वो ऊपर चला जाएगा, ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा। सो फाइनली जरा चेक करो यहां पर क्या निकला, दैट द थियोरिटिकल मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ये किसके इक्वल है, फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के रेशो के इक्वल है, ठीक है। सो फाइनली इसी रेशो को जरा ध्यान से चेक करो, किसी भी कंपाउंड के थियोरिटिकल मोलिकुलर मास और उसी के ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल है जो आगे आएगा, सो डोंट वरी, यहां पर ये चीज आपको पहली बार देखने मिल रही है और इसको आप ध्यान रखो, वेंट ऑफ फैक्टर इट्स अ रेशो ऑफ थ्योरिटिकल मोलिकुलर मास टू ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो फाइनली यहां पर क्या बना, दैट फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर इनटू मोलैरिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। और मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं और आपको अब मैं क्या करता हूं, आपको अब मैं फाइनली एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूं कि फॉर्मेलिटी निकालते कैसे, ठीक है। सो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिएगा, लेकिन उससे पहले ये सब चीजें स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो चलो आगे शुरू करते हैं। सो चलिए गाइस फॉर्मेलिटी को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं जो कि आपको फॉर्मेलिटी को समझना आसान बना देगा। तो मेरे साथ क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसके ऊपर जो हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए 2.44 grams of बेंजोइक एसिड, ध्यान से समझिएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है, is dissolved in benzene, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, benzene to form 500 ml solution, तो कहता है then find out molarity एंड फॉर्मेलिटी दोनों निकालिए, कहता है मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी दोनों निकालिए, ठीक है। सो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में रिलेशन आप जानते हो, अगर आपने मोलैरिटी निकाल लिया तो आप फॉर्मेलिटी भी निकाल लोगे। तो जरा ध्यान से उसको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे, देखिए मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज थ्योरेटिकल, ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। सबसे पहले हमारा सॉल्यूट कौन, जरा चेक करो, हमारा सॉल्यूट है बेंजोइक एसिड, ये हमारा सॉल्यूट है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, ये हमारा सॉल्यूट है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH, यही होता है ना, इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया। अच्छा इस सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, जरा चेक करो, बेंजोइक एसिड कितना है, 2.44 ग्राम आपको इसका वेट गिवन है। सो ये W का वैल्यू भी मिल गया हमें। अब हमको यहां पर क्या लेना है, इसका मोलिकुलर मास, तो चलो इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो, कार्बन कितने हैं, 6 और 1 7, और यहां पर 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा ये 122 ग्राम पर मोल, आप कैलकुलेट करके देख लो, मुझे तो याद है, ठीक है, बहुत सारों के तो आपको जनरली याद होने चाहिए ताकि वहां पर कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगे। सो 122 ये जो आपके पास बेंजोइक एसिड है इसका मोलिकुलर मास होता है, मतलब ये कि आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है ना। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको लेना लीटर में, आपको किस में दिया हुआ है, एमएल में, 500 एमएल दे रखा है, तो इसको 500 डिवाइड बाय क्या करोगे, 1000, तो ये क्या आ गया, लीटर, इजंट इट, तो कितना हुआ ये 0.5,
सही है। तो यहां से मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो, बहुत आसान है। मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट इज 2.44, ये तो आपको वेट दिया हुआ है ग्राम में, सही है। डिवाइडेड बाय क्या करोगे जरा चेक करो, मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 122, दिखाई दे रहा है 122 ग्राम पर मोल। तो फाइनली मैंने यहां पर लिख दिया ग्राम पर मोल जो मॉलिक्यूलर मास है। इनटू क्या करोगे यहां पर 0.5, यहां पर 0.5, ये क्या आएगा लीटर। मैंने सारी की सारी यहां पर यूनिट भी मेंशन करी है ताकि हमारे पास मोलैरिटी का यूनिट सही आए। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, देखिए मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। अगर आपका फाइनल यूनिट भी मोल पर लीटर आ रहा है इसका मतलब आपने सब सही किया है। तो देखिए यहां पर ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दीजिए, यहां पर मोल ऊपर चला गया लीटर आ रहा है, तो आपकी यूनिट तो सही बैठ रही है, यानी कि आपने वैल्यू सही लिखी है मोल पर लीटर, क्लियर है। अब देखिए यहां जरा ध्यान से, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे दो जीरो जाएंगी, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगी, तो यहां पर क्या लिख दूंगा इंटू 10 कर दूं। सो फाइनली ये किससे कट रहा है, 2 से। सो ये कितना आ गया जरा चेक करो, 2/5 × 10 दैट इज 50, तो यहां पर आंसर आ रहा है 2/50, इजंट इट। यानी कि क्या कहे 4/100, यानी कि कितना हो गया 0.04, यहां पर 0.04 मोल पर लीटर आंसर आ रहा है, क्लियर है सब लोगों को, समझ में आया सबको। सो यहां पर 0.04, यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए हमारे पास मोलैरिटी आ गई। नाउ व्हाट अबाउट फॉर्मेलिटी, हमको पता है कि फॉर्मेलिटी क्या होता है, दैट इज मोलैरिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर, यही होता है कि नहीं होता, क्लियर है। तो यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा वो हम लोगों को देखना है, तो जरा ध्यान से इसको चेक करो। अच्छा वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसी को बोलते हैं ना आई, क्लियर है। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो जरा चेक करो, एक्चुअल में आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ही हम किसी भी एसिड को, स्पेशली यहां पर चाहे बेंजोइक एसिड लिखा हो, एसिडिक एसिड लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उनको हम लोग बेंजीन में डालते हैं, देखो पानी में डालते हैं तो ये टूटता, आपको बता देता हूं। देखिए आप किसी भी एसिड को, जैसे कि C6H5COOH को जैसे ही आपने वाटर में डाला, ठीक है, तो वो तो किसमें टूट जाता है, डिजोल्व किसमें हो जाता है, ये टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है, कैसे, C6H5COOH- और प्लस में क्या होता है H+, वी ऑल नो। पानी में डालोगे तो ये ऐसे टूट जाएगा, लेकिन मजे की बात देखिए, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि बेंजोइक एसिड या किसी भी एसिड को, यहां पर एसिडिक एसिड लिखते तब भी, अगर आपने इसको बेंजीन में डिजोल्व किया है तो ये क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब समझे, डाइमराइज का मतलब क्या होता है, सो देखिए आपने ये सब लिख लिया है तो मैं यहां पर डाइमराइज का मतलब आपको समझाता हूं, लिख लिया आप लोगों ने, सो चलिए यहां पर मैं डाइमराइज का मतलब समझाता हूं, डेटा हमारे पास है ही, तो जरा चेक करो यहां पर डाइमराइज का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर डाइमराइज का मतलब होता है ये, इसकी दो यूनिट C6H5 और साथ में क्या है CO और यहां पर क्या है OH, ये उसका पहला यूनिट, ठीक है। डाइमराइज का मतलब एक के दो हो जाते हैं, डाइमराइज मतलब दो यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं। तो जरा चेक करो, ये पहला यूनिट हो गया, इसका दूसरा यूनिट मैं यहां लिख रहा हूं C6H5 और यहां पर उसके बाद C, यहां पर OH और यहां पर क्या है O, दिख रहा है, ये इसका सेकेंड यूनिट हो गया। अब होता कुछ यूं है कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बेंजीन की प्रेजेंस में, और बॉन्डिंग की वजह से दो यूनिट आपस में जुड़ के कितनी हो गई, एक। तो आप खुद सोचो, थ्योरिटिकली तो हम सोच रहे थे कि एक्चुअल में थ्योरिटिकली तो सिर्फ एक ही का मास कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने इसको बेंजीन में डाला तो ऑब्जर्व्ड मास उसका डबल है, क्योंकि दो यूनिट आपस में जुड़ चुकी है, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व निकल के आ रहा है वो जस्ट डबल है, इस चीज को समझें। सो फाइनली यहां पर आई का वैल्यू कितना होगा, जरा सोचो यहां पर आई का वैल्यू कैलकुलेट करो। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास आप सोच रहे थे 122, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास उसका जस्ट डबल है, तो यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। सो फाइनली आई का वैल्यू यहां पर 1/2 हो गया। सो फाइनली अगर हमें फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जरा चेक करो, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है, 1/2, कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, खुद से सोचो कि जब हम सोच रहे थे कि एक ही यूनिट है लेकिन अंदर जाके तो डबल हो गई, तो इसका मतलब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास डबल है, तो यहां पर 122 लिखोगे तो यहां पर कितना लिखोगे, 122 का डबल, तो वो तो कट जाएगा तो 1/2 आएगा। सो वेंट ऑफ फैक्टर कितना है, हाफ, तो चलो फॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। सो फाइनली फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी निकल के आई है वो देखिए 0.04 इनटू क्या करना है वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज हाफ,
दिखाई दे रहा है। सो फाइनली यहां पर कितना आंसर आया, दिस इज 0.02। अब अगर आप ये चीज समझ गए तो आपने वेंटो फैक्टर जो कि लास्ट में पढ़ना है जिस टॉपिक को, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लिया। नाउ व्हाट इज वेंटो फैक्टर, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और एक और खास बात दोबारा से अपने दिमाग में डालिए कि बेंजोइक एसिड या कोई भी एसिड लो जिसको अगर आपने बेंजीन में घोला, डिजोल्व किया, तो वो डाइमराइज हो जाता है, इस तरह से डाइमर बना लेता है। जरा चेक करो, एक यूनिट का यहां पर दो यूनिट आपस में जुड़ के एक यूनिट बना लेती है। ये खास बात होती है, इसको डाइमराइजेशन बोलते हैं, ये डाइमर बन गया। सो यहां पर दिखता है एक, आपने डाला दिखता है एक, लेकिन अंदर जाके वो क्या हो गया, डाइमराइज। तो मॉलिक्यूलर मास तो चेंज हो गया ना, अब ये है पूरा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर मास तो कितना हो गया, जस्ट डबल। इस चीज को समझें, और अगर आप ये पॉइंट समझ गए हैं तो आप वेंटो फैक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझ गए हैं गाइस। सो चलिए, ये हो गया फॉर्मूला मास और फॉर्मेलिटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं विद इन एग्जांपल, जो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लास्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म को और डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर इनडिपेंडेंट टर्म्स की तरफ चलेंगे। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, अब चलते हैं आगे। सो चलिए गाइज, लास्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म को खत्म कर लेते हैं, दैट इज पार्ट पर मिलियन, विच इज अगेन वेरी मच सिंपल। पार्ट पर मिलियन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट बाय वॉल्यूम, एंड उसके साथ ही हम लोग किसको करेंगे, पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन दोनों टर्म्स को हम लोगों को अभी खत्म करना है। सो देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा है वेट बाय वॉल्यूम पर सेंट, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, वेट बाय वॉल्यूम पार्ट पर मिलियन। अगर आप ये पार्ट को छोड़ दें, पर मिलियन पे गौर करो बस, तो देखिए पर सेंट आपने पढ़ा तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, पर मिलियन के केस में आप 10^6 यानी मिलियन से मल्टीप्लाई करते हो और कुछ भी फर्क नहीं है। अच्छा, पीपीएम टर्म इस्तेमाल कहां होती है, देखिए पीपीएम टर्म ऐसी जगह इस्तेमाल होती है जहां पर सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम है। जैसे कि घर पर अगर आपकी मम्मी ने खीर बनाई है, तो अब खीर में चीनी डालते हैं, ठीक है, दूध डालते हैं, मानते हैं, लेकिन क्या आप केसर डालते हैं तो क्या चीनी के बराबर डालते हैं क्या, ऐसा नहीं होता है। केसर, इलायची, ये एक ऐसी चीजें हैं, ऐसे सॉल्यूट्स हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सो फाइनली हम लोग ऐसी चीजों को डिफाइन करने के लिए, ऐसे सॉल्यूट जिनकी मात्रा बहुत ही कम होती है सॉल्यूशन के अंदर, उसके लिए हम लोग पार्ट पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो चलो देखो यहां पर कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने पहले पढ़ा था परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा था, तो आप उसके लिए क्या करते थे, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपको मालूम है पहले से, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो सॉल्यूट का वेट किस में लेते थे, ग्राम में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेते थे, आप देख के आओ, दैट इज इन एमएल, और क्योंकि परसेंट था तो इनटू में क्या लिखते थे, 100। आप लोग याद करो मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में कराया था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में वेट ग्राम में लेते थे, वॉल्यूम यहां पर एमएल में लिया जाता था, ठीक है, इनटू करते थे 100। अब बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर सेंट की जगह पर मिलियन है। सो पार्ट पर मिलियन को लिखा जाए वेट बाय वॉल्यूम के केस में तो क्या लिखोगे, अब पर सेंट नहीं है पर मिलियन है, तो चेंज क्या होगा, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट एज इट इज, कोई फर्क नहीं है, दैट मस्ट बी इन ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मस्ट बी इन एमएल, ठीक है, इनटू क्या करोगे मिलियन, यानी कि ये पर मिलियन है, वो पर सेंट था तो 100 लिखा, पर मिलियन है तो 10^6 लिखेंगे, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से आप किसको डिफाइन कर सकते हैं, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मस्ट ऑल्सो बी इन एमएल, इनटू क्या करोगे मिलियन, क्योंकि पर मिलियन में पूछा है। सो बस सिर्फ इतना सा फर्क है, आपको आई थिंक कंपैरिजन से बहुत क्लियर हो गया होगा कि आपको पीपीएम को इस्तेमाल कैसे करना है। सो गाइज, यहां पर फाइनली हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंट सारी टर्म्स खत्म कर ली हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, उनको खत्म करेंगे, उनके अलावा जो भी टर्म होगी उसको खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग इंटरचेंज पढ़ेंगे कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे जाते हैं। सो गाइज, मैं आपसे फिर से कहूंगा, अगली वीडियो आने से पहले तीनों वीडियो में जितना भी आपने किया है उसको रिवाइज जरूर कर लो एक बार, उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चंस कर लो। सो गाइस, डू वर्क हार्ड, याद रखिए इस बात को, वन हु कैन ड्रीम इट
कैन अचीव इट। हमें बहुत लोगों को जवाब देना है, बहुत लोगों को प्रूव करना है। वी आर अ फैमिली नाउ, वी हैव टू डू वर्क हार्ड ताकि 2019 हमारा साल हो, हमारे सिलेक्शन का साल हो। सो गाइज, डू वर्क हार्ड, रिमेंबर दिस थिंग। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, उन नीडी स्टूडेंट्स को जरूर दीजिए जिनको जरूरत है, जिनकी मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप दिन में एक बार या दो बार चैनल को विजिट करके देख लीजिए कि वहां पर कोई नया वीडियो तो अपलोड नहीं हुआ है। सो गाइज, इन चीजों का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस समय से करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।